हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल बना के पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद का यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसमें लोगो कैसे क्रिएट करना है, उसका साइज़ क्या रखना है, आपको चैनल आर्ट कैसे बनाना है, उसका साइज़ क्या रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। मैं आपको इसमें यूट्यूब बैनर बनाना भी सिखाऊंगा, जो हम वीडियोस के ऊपर जो कवर फोटो लगाते हैं उसको बैनर कहते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ये भी सिखाऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल की सारी सेटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में google.com ये ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप ये जीमेल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं www.gmail.com, एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आप मोबाइल पे भी अपनी जीमेल ऐप में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। दोनों पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर पर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के स्क्रीन है ये बड़ी होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, विजिबिलिटी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई किसी भी नाम से जीमेल अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे मैंने ये डाल दिया। लास्ट नेम डालेंगे, ये डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी यूज़र नेम बना लेंगे, जैसे मैंने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखना है आपको पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर का बनाना है, और उसमें आपको लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स इनका मिक्सचर यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी 8 करेक्टर्स का पासवर्ड बना लेंगे। ये यहाँ पे दिखा रहा है डेट यूज़र नेम इज़ टेकन, तो हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर देंगे इसमें। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अब देखते हैं एक बार, अब भी टेकन है ये, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, अब भी ये टेकन है, तो इसमें हम ये लिख देते हैं। ठीक है, Anil123 गेम से बना दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे दोबारा उसी पासवर्ड को डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कह रहा है ये, तो इसको दोबारा से बना लेंगे हम कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे हम ये बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, ऑप्शनल है ये। अगर हम फ़ोन नंबर डालेंगे तो हमारा जो ये अकाउंट है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालते हैं तो फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, फिर आपको उसे वेरीफाई करना होगा यहाँ पे, और ये वाला ऑप्शन है। अभी मैं यहाँ पे नहीं डालता। ठीक है, तो अब ये वाला ऑप्शन है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे हम कोई भी अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, किसी भी दूसरी आईडी का, जिससे हमें कभी भी अगर इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इसे भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है हमें, यहाँ पे हम डे सेलेक्ट करना है,
यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। इसमें हमें मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है, नहीं तो हमें आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आप देख सकते हैं ये जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो गया है, हमने 2 मिनट में बना लिया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है www.youtube.com। उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन इन वाले पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे जीमेल में लॉगिन किया हुआ है, तो इसने इसी आईडी को वहाँ पे साइन इन कर लिया है। देख सकते हैं आप anil123game@gmail.com, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे हमें एक नया चैनल क्रिएट करना है, तो इस पे हमें क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब ये हमसे कह रहा है चूज योर नेम, हम अपने चैनल का कोई भी नाम चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमें खुद ही करके दिखा रहा है, अनिल कुमार रख सकते हैं हम, या हम यहाँ पे कोई भी कस्टम नेम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल देंगे, जो भी हम चैनल बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गेमिंग का चैनल बनाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे उस चैनल का नाम डाल देंगे, अनिल गेमिंग डाल दिया जैसे मैंने। उसके बाद हमें यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने, उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। इसमें हमें आपका और नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड ए पिक्चर, ये कह रहा है हमें प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने के लिए कह रहा है चैनल के बारे में। यहाँ पे ऐड टू योर साइट्स, यहाँ पे हम अपनी कोई भी साइट एड्स उसका URL ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम सेटअप लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा चैनल क्रिएट हो गया है। हमें यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है और ये हमारा, इसको हटा देंगे, ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो खुल चुका है। इसमें सबसे पहले मैं आपको लोगो बनाना, उस वाले पॉइंट पे आते हैं हम सबसे पहले, इसे क्लोज कर देंगे। फिर बाकी चीज़ों के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, सारी सेटिंग्स बताऊंगा इसकी एक एक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको लोगो, इसका बैनर, ये चैनल आर्ट, ये बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे हमें अपलोड करना है अपना कोई भी लोगो, जो आप अपने चैनल का लोगो बनाएंगे वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे बैनर इमेज है, आप अपने चैनल का जो भी बैनर बनाएंगे उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे वीडियो वाटर मार्क है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो में कोई भी वाटर मार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे ये रेड में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, यहाँ पे आपका वो वाटर मार्क शो करेगा आपकी वीडियोस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लोगो बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। लोगो बनाने के लिए आपको न्यू टैब ओपन करना है और एक वेबसाइट टाइप करनी है यहाँ पे www.canva.com। इसके बाद एंटर करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने कुछ ऐसे खुल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले साइन अप करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको साइन अप विद गूगल, हम गूगल से साइन अप कर सकते हैं, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ जिस जीमेल से आप इसमें साइन इन करना चाहते हैं वहाँ से साइन इन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं अनदर अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें साइन इन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें साइन इन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएटेड डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्रिएटेड डिज़ाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फ्लायर, इन्फोग्राफिक, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो। हमें लोगो बनाना है तो हम यहाँ पे लोगो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं या अपना रैंडम भी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे टेम्पलेट अलग अलग उसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे एनिमेटेड लोगो मिल जाएगा आपको, गेमिंग का है तो गेमिंग का लोगो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप बैज लोगो भी मिल जाएगा, आर्ट या डिज़ाइन लोगो भी मिल जाएगा, फैशन लोगो भी मिल जाएगा, बैंड लोगो, ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो आपका चैनल जिस बारे में है आप वहाँ से वो वाली टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा चैनल गेमिंग के बारे में है तो हम यहाँ हैं सियाल पे क्लिक करेंगे और इनमें से कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इनमें से कोई भी एक लोगो उठा लेते हैं, जैसे हम ये वाला लोगो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इनको यहाँ पे उठा के मूव कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए, यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी कोई भी रेड कर सकते हैं, और ऐसे ही नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं हम, और इसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमें लिखना है अपने चैनल का नाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनिल गेमिंग, ठीक है। और इस जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया, ये बन गया, ठीक है। इसका हम यहाँ से फंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ए पे आके इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसमें कलर कर सकते हैं, इसको पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम जो चाहें वो कलर दे सकते हैं। ग्रीन करना है तो ये देखिए ग्रीन हो जाएगा, और अगर इसे ब्लैक करना है तो यहाँ से इसको ब्लैक कलर कर सकते हैं हम, ये यहाँ पे ब्लैक हो गया, ब्लैक दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ से ए पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ से हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। अगर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फंड हमें जो अच्छा लगे वो हम रख सकते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम अंडो करके वापस आ जाएंगे, यही वाला फंड सही है। उसके बाद हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी हम जो साइज़ डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 60 डालेंगे, देखिए थोड़ा सा और छोटा हो गया, ऐसे हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा हो गया और ऐसे ये वापस छोटा हो गया। उसके बाद हमारा ये लोगो जब बन गया तो अब हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देना है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया है यहाँ पे लोगो। इसके बाद वापस हमें इसी पेज पे आ गए जहाँ पे हमने चैनल बनाया हुआ था। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे अपना वो लोगो लगाना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, ये रहा हमारा वो लोगो, इस पे क्लिक करना है और ओपन कर देना है। आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर आ रहा है राउंड गोले के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो लग गया है हमारा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये 4 MB या उससे कम का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ का ना लें, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें
बैनर, चैनल आर्ट भी बोलते हैं जिसे, चैनल बैनर बोलते हैं, ये कैसे बनाते हैं इसको भी सिखाता हूँ। तो इसके लिए फिर से चलते हैं हम उसी ऐप पे, कैनवा ऐप से ही मैं आपको सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। एक ही ऐप से आप सब कुछ कर लेंगे, उसकी एप्लीकेशन भी है। अगर आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो फ़ोन में कैनवा ऐप इंस्टॉल कर लें और उस पर ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, लोगो, बैनर, चैनल आर्ट, थंबनेल भी बना सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा मैं। तो चलिए अब मैं आपको चैनल बैनर बनाना सिखाता हूँ कैनवा ऐप से। तो उस ऐप पे चलते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं हम आगे इस ऐप पे, यहाँ पे होम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नया डिज़ाइन बनाना है हमें, तो यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें चैनल बैनर बनाना है, लेकिन चैनल बैनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका साइज़ पता होना चाहिए। हम यहाँ पे दूसरे टैब में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे www.google.com और यहाँ पे हमें लिखना है YouTube चैनल बैनर साइज, एंटर करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि हमारा साइज़ कितना होता है। यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली इमेज है, देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल बैनर का जो साइज़ होता है, जो टीवी पे दिखेगा वो पूरा दिखाई देगा 2560x1440। ये पूरी स्क्रीन आपको टीवी पे दिखाई देगी, ये हमारा बैनर का साइज़ होता है। और अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप पे ये 2560x423, आपको ये यहाँ से ये बीच की ये पट्टी पूरी दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है दोनों साइड, यहाँ डार्क पोर्शन तक आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दिखाई देगा। और अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में आपको जो ये ब्लू है, ब्लू रेक्टेंगल, बस इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। तो ठीक है, आपको अब समझ आ गया हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बैक चलेंगे, बैक चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हम गूगल से कोई भी एक पिक्चर उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूट्यूब चैनल बैनर ब्लैंक ब्लैंक इमेज, एंटर करते हैं। उसके बाद इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारी ब्लैंक इमेजेस मिल गई हैं। तो हम यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज़ कर लेंगे, जैसे हम यहाँ से ये वाली इमेज चूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगी, और ये यहाँ से बीच का जो ये पोर्शन है ये मोबाइल पे दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो गई है JPG में। उसके बाद यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, कैनवा एप्लीकेशन पे वापस आते हैं। और अब यहाँ पे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं पर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने आपको उसका जो साइज़ बताया था वो हम यहाँ पे डालेंगे, जो हमने अभी साइज़ बताया था यहाँ पे डालेंगे यूट्यूब चैनल बैनर साइज़ इमेजेस, ये वाला साइज डालेंगे हम यहाँ पे 2560x1440। यहाँ पे डालेंगे 2560x height जो डालेंगे 1440 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपके सामने ये वही आ गया। इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड से हमें अपलोड मीडिया करना है, अपलोड मीडिया में हमें डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपनी उस फोटो को यहाँ पे जो हमने अभी डाउनलोड की है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो डेस्कटॉप पे जाना है। उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर देना है। ये
ओपन हो रही है, उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इसको पकड़ के हमें बड़ा कर देना है पेज के साइज का, ये ठीक है, ऐसे बड़ा कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फोटो लगानी हो यहाँ से फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं आपको, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हम, यहाँ पे ऐड ए हेडिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप ये फॉन्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, हम अपने चैनल का नाम ही लिखेंगे अनिल, यहाँ पे ऐड ए हेडिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अनिल गेमिंग, हमारा ये चैनल का नाम है, अनिल गेमिंग लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आप इसके फंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं हम फंट को, फंट का स्टाइल हम कुछ और कर लेंगे, एलिस करके देखते हैं, एलिस कर लिया जैसे हमने। यहाँ से इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो हमारा मन करे वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको तो हटा देंगे, अनिल गेमिंग आ गया। यहाँ पे हम अब कोई फोटो डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पे कोई फोटो डालना चाहता हूँ, तो अपलोड पे जाएंगे, जैसे अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे, डिवाइस में जाएंगे, जो भी आप फोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ डाउनलोड से कोई भी अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं अपनी ये फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँ, ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगी और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं जितनी आपको क्रॉप करनी हो, यहाँ से आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें जो ये पट्टी दिख रही है, इसी पट्टी में इसे एडजस्ट करना है और हमें बीच में ही रखना है, क्योंकि हमें पता है कि बीच वाला पोर्शन ही हमारा फ़ोन पे भी दिखाई देगा और सब जगह हमारा बीच वाला पोर्शन ही सबसे अच्छा दिखाई देगा। इस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे जो चाहें वो सिंबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, गूगल पे जाके वहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको, जैसे मान लो ये हमारा बन गया है, अब मैं आपको सैंपल बनाने के बता रहा हूँ बस, आप खुद अपने जब खुद अपने माइंड से करेंगे तो और भी क्रिएटिव बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटो लगाना चाहें लगा सकते हैं, हटाना चाहें इसे हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फोटो को हटा देता हूँ, अभी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको हम। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोड हो रहा है, 3.1 MB का है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये बन गया है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये ओपन हो गया है, यहाँ हमें ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे, अब हम यहाँ पे जो बैनर वाला है, बैनर इमेज, यहाँ पे उसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है वहाँ से उसे इंसर्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा इतना टीवी में दिखाई देगा, पूरी स्क्रीन व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप पे इतनी दिखाई देगी, ऑल डिवाइसेस पे इतनी दिखाई देगी, ये हमें बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ये टीवी जैसी स्क्रीन है, ये आपका लैपटॉप की स्क्रीन है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो वाटरमार्क दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी वीडियोस में
वाटर मार्क लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं आप, कोई वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, और उसका साइज़ 1 MB और उससे कम ही होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको समझाने के लिए अभी कुछ भी लगा देता हूँ इस पे। जैसे हम यहाँ पे मैं अपनी 1 MB से कम साइज चाहिए, जैसे मैं ये वाला लो यहाँ पे ये लगा के दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ये वाला है, जैसे ये है, डन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देगा। एंड ऑफ द वीडियो में लगा सकते हैं हम इसे। कस्टम स्टार्ट टाइम हम खुद से यहाँ पे स्टार्ट टाइम इसका सेट कर सकते हैं कि यहाँ से ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो में, या हम पूरी की पूरी वीडियो में इसे शो करना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसे चेंज करना है तो यहाँ से चेंज पे क्लिक करके हम दूसरा यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये लोड होगा। ये देखो ये कह रहा है गो टू चैनल, इस पे क्लिक करेंगे और अब हमारा चैनल ऐसा दिखाई देगा। ये देखो हमने बैनर लगा दिया, लोगो लगा दिया, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने बना के लगा दी हैं। हमारा ऐसा दिखाई देगा। वापस इस चैनल कस्टमाइजेशन वाले पे जाएंगे। अब हम मैं आपको सिखाऊंगा अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल, यूट्यूब वीडियोस के लिए जो थंबनेल कवर फोटो जो होती है उसको बनाना सिखाऊंगा। फिर मैं आपको बाकी सेटिंग्स के बारे में इसकी सारी जानकारी दूंगा, कौन सी सेटिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे सेटिंग करनी है, कैसे चैनल को वेरीफाई करना है, वो सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको इसका थंबनेल है वो बनाना सिखाऊंगा अपनी वीडियोस के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कोई भी वीडियो डालने में, आप पहले ही थंबनेल बनाना जान जाएं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी कैनवा ऐप पे। इसके बाद हम इसे तो बैक कर देते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो सबसे पहले हम उसका साइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं 1920x180, ये यूट्यूब थंबनेल आपकी वीडियोस का ऊपर का कवर फोटो का साइज़ होता है, आपकी वीडियोस का साइज़ भी यही होता है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। वहाँ पे विड्थ और हाइट डालने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं हमें काफ़ी सारे, जैसे ये वाला है, ये आप देख सकते हैं कितने सारे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर भी। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप जिसमें चाहें वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप ये एलिमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई शेप साइज़ लेना चाहें अपनी थंबनेल के अंदर तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कोई स्टिकर उसमें लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, उसमें एनिमेटेड स्टिकर हैं, पर ये आपके थंबनेल में एज ए फ़ोटो ही दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी हेडिंग, यहाँ पे सब हेडिंग, लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैटर्न भी दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आप इस कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं, इस कलर में लिखना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेलकम लिटिल वन, ग्लो, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कोई भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो यूज़ कर सकते हैं कोई भी आप। उसके बाद बैकग्राउंड है, यहाँ से आप अपना बैनर का, अपने थंबनेल का कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। जैसे हम सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखें जो हम इसमें लिखना चाहते हों, जैसे मैं आपको जो ये वीडियो सिखा रहा हूँ इसी पे लिख देता हूँ, जैसे हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, हमने जैसे ये लिख दिया,
इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इसका फंड चेंज कर लेंगे, एलिस कर लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा भी लग रहा है, बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड हो गया, देख सकते हैं आप, इसका साइज हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा कर देते हैं, इसको हम सबसे ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। उसके बाद अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं, इसमें ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम कोई भी शेप यहाँ से यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ, पर इसमें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे रेड में कर लेता हूँ, उसके बाद इसका साइज बड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, उसके बाद इसको इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये अभी इस पे शो नहीं कर रहा, इसके बाद इसको ऐसे बड़ा कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये अभी शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी पे क्लिक करेंगे, अब इसको इसके ऊपर ले आएंगे, देख सकते हैं आप अभी शो कर रहा है, इस वाले को डिलीट कर देंगे, उसके बाद इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, फिर एक बार इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, उसके बाद इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ से वाइट करके, देखते हैं वाइट अच्छा लग रहा है, ऐसे कलर चेंज कर देंगे इसका, उसके बाद हम यहाँ पे और टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पे ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में लिख सकते हैं हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इसको हिंदी में लिखने के लिए हमें दूसरा टैब ओपन करना है और यहाँ पे www.google.com पे जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे इन डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है इसे, और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, यहाँ से हमें यहाँ पे लिखना है कैसे बनाएं, दोबारा लिख देंगे इसको PANAY, ये वाला है, उसके बाद यहाँ से इसको हम कंट्रोल ए करेंगे, फिर कंट्रोल सी, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, वापस अपने इसी टेक्स्ट में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर करके इसको नीचे कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके बाद इसका साइज हम जितना मर्जी चाहें उतना, उसके बाद हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, यहाँ से इसका फंड चेंज कर सकते हैं, इसका कोई और फंड कर लेते हैं, एलिस कर लेते हैं जैसे, या फिर कोई और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एलिस पे क्लिक करके सेमी बोल्ड ये कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं ये इसे यहाँ पे कर देते हैं, इसमें भी अगर हम कोई एलिमेंट लगाना चाहें तो यहाँ से एलिमेंट ले सकते हैं हम, ये इस पे अभी शो नहीं कर रहा, हम इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हम जो ये वाला एलिमेंट है हमारा इसको ले सकते हैं यहाँ से, पहले इसको मूव कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको नीचे ले आए, अंडो कर देते हैं, मैं आपको नए वाले उससे ही समझाता हूँ, उसके बाद हमें यहाँ से रेक्टेंगल लेना है, उसके बाद यहाँ पे हमें इसको छोटा बड़ा कर लेना है, इस वाले को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेना है, अब ये दिखने लगा है, इस पे पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं,
सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ब्लॉक का। यहाँ से हम इसे येलो रख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस कलर को हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, इसमें थोड़ा लाइट है ये, थोड़ा डार्क करते हैं इसको। साइज इसका बढ़ा लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसमें एडजस्ट करते हैं पहले। उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे खींच लेते हैं। इसको यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है। YouTube चैनल कैसे बनाएं, हम चाहें तो इनका अलग अलग भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको अलग अलग ही करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इस पे क्लिक करना है और इसको यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, इस पूरे को यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करके ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। नाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। अब हमें यहाँ पे कोई इमेज डालनी है तो हम गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब की एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब लोगो ट्रांसपेरेंट लिख देंगे, ट्रांसपेरेंट के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद इमेजेस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगो आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे जो भी अच्छा लगे, जैसे मैं पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई और देख लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी शायद ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम कोई भी एक ट्रांसपेरेंट लोगो लेंगे। चलो इसी वाले को लेके दिखा देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। राइट क्लिक करेंगे, इसे सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव लिख देंगे कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्रॉप कर देंगे। उसके बाद अब वापस अपने कैनवा वाली साइट पे आएंगे, यहाँ पे अपलोड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपलोड मीडिया में जाना है, फिर डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा और लोगो ये रहा, ओपन पे क्लिक करना है, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें इस पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे, इसको भी नीचे से भी क्रॉप कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये इसका बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है लोगो में। आप ट्रांसपेरेंट लोगो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपने इस में लगा देना, ठीक है, इस पोस्टर में यूज़ कर लेना। इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं आप कैसे बनाएं। और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में जा सकते हैं, एक और टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 2021, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ला सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे 120 कर सकते हैं। और इसका साइज हमने रखा है 90, इसको सिलेक्ट कर लिया सारे को और हल्का सा ऊपर कर दिया। अब ठीक है, YouTube चैनल कैसे बनाएं, ऐसे रख सकते हैं आप से, या आप इसके बाद आप इसका कलर, इसका अगर आप चाहें कलर चेंज करना तो इसमें आप कोई और कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ग्रीन पे क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया है। उसके बाद अगर हम चाहें अपने बैनर का, इसका थंबनेल का कोई और बैकग्राउंड लेना चाहें तो यहाँ से हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं, तो आप इनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे वो चूज़ कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से सियाल पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से एक एक करके हम चेक कर सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा ठीक है, पर इसमें हमारा ये ऐसा दिख रहा है, ये मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं लिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप ट्रांसपेरेंट लेना तो आपको ये दिखाई नहीं देगा,
उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इन्हें कि कौन सा अच्छा लगेगा इस पे। ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, उसके बाद ये भी ऐसा ही है, ये सितारे वाला देखते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, उसके बाद ये देखते हैं, ये भी थोड़ा डार्क है, ये लाइनों वाला, ये भी थोड़ा ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला इसको देखते हैं। ऐसे इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी मैं वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अब इसमें यहाँ पे एलिमेंट पे जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं, जैसे हम ये स्टिकर में सी आल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिकर हैं। जैसे हम ये रॉकेट वाला लगाना चाहते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एनिमेटेड हैं ये, प्रो के लिए हैं एनिमेटेड वाले, तो हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई फ्रेम शेप ये हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से वो लाइन भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एरो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम एरो भी लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो लग गया, इसको पकड़ के हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे एरो लग गया, ठीक है। इस तरह से हम इसमें एरो भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके का आपको बनाना हो, मैं आपको बस एक सैंपल बताया है कि आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। क्लिकेबल बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। कैनवा एक ऐसी ऐप है जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना लोगो भी बना सकते हैं, अपना बैनर भी बना सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इससे एक ही ऐप से कर सकते हैं, किसी और ऐप की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पिक्सेल लैब भी है, उसमें भी आप यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो भी अच्छी है। यही दो ऐप्स हैं जो इनके लिए बेस्ट हैं। मैं भी यहाँ यहीं से बनाता हूँ, कैनवा से ही अपने, तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहीं से बनाएं अपने वीडियोस के लिए। इसके बाद जैसे हमारा ये बन के तैयार हो गया है, उसके बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कट कर देना है और ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इसे ओपन करके देख लेना है। ये देख सकते हैं हमारा बैनर जो हमने YouTube चैनल के लिए थंबनेल बनाया है अपनी वीडियोस के लिए, ऐसा दिखाई देगा आपको। अब चलते हैं हम अपने चैनल की स्क्रीन पे। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बनानी सिखा दी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये लेआउट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड ए वीडियो टू द टॉप ऑफ योर चैनल होम पेज, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे हम अपनी कोई भी एक वीडियो लगा सकते हैं कि जब भी कोई हमारे चैनल पे विजिट करेगा, चाहे कंप्यूटर से या मोबाइल से, तो उसको हमारे चैनल पे सबसे पहले ये वाली वीडियो दिखाई देगी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके। अभी हमने कोई वीडियो नहीं डाली हुई है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, जब हम वीडियो डाल देंगे तो हमें यहाँ पे वो शो होंगी, तो हम उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे भी हम कोई वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं, जो हमारी पॉपुलर हुई हो वीडियो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि हमें और सब्सक्राइबर मिल सके, ठीक है। जैसे मैं आपको अपने चैनल में दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पे चैनल वीडियो लगा के कैसी दिखाई देगी, तो मैं आपको अपने चैनल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे ये चैनल ट्रेनल है जो मैंने आपको बता रहा था, जो मैं वीडियो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये वापस आ गए हम इसी चैनल में जो हम बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग में, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल के बारे में लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वेलकम,
टू माय चैनल, और भी कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू माय गेमिंग चैनल, ठीक है। यहाँ पे आप 1000 वर्ड्स तक का लिख सकते हैं कुछ भी अपने चैनल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे चैनल URL है, यहाँ पे ये आपके चैनल का URL शो कर रहा है, आपके चैनल का लिंक है। आप किसी को जब शेयर करेंगे तो आप यहाँ से भी कॉपी करके उसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फो, कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे आपकी वीडियोस को देख के, तो वो आपको इस ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं अभी हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है इसमें, तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। वीडियो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, आप जितनी भी वीडियोस डालेंगे वो आपको यहाँ पे सीरियल से दिखाई देंगी, जो भी आपकी वीडियोस होंगी यहाँ पे आपको वो सारी वीडियोस दिखाई देंगी। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप जो भी प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी सारी आपकी। एनालिटिक्स, यहाँ पे आपकी वीडियोस का सारा एनालिटिक्स दिखाई देगा, यहाँ पे आपका ओवरव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे कितने टोटल व्यूज आए, कितना टोटल वॉच आवर हुआ आपका, वॉच टाइम, कितने सब्सक्राइबर हुए आपके, टोटल यहाँ पे दिखाई देंगे। इससे आप यहाँ पे क्लिक करके लाइफ टाइम पे जब क्लिक करेंगे, अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी इस पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो लाइफ टाइम पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल दिखा देगा कि आपके टोटल वॉच टाइम कितना है, व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। इसके बाद इसमें रीच का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके इम्प्रेशन दिखाएगा कि कितने इम्प्रेशन हैं आपके। ये जो मैंने अभी थंबनेल बनाना आपको सिखाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लिकेबल होगा तो आपको यहाँ पे इम्प्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद ये इम्प्रेशन क्लिक थ्रो रेट है, ये भी यहाँ पे शो करेगा। व्यूज हैं, यूनिक व्यूअर्स हैं, ये सब यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट है कि कितने वॉच टाइम हुआ है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है आपकी, यहाँ पे ऑडियंस है, रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, यूनिक व्यूअर्स कितने हैं जो आप पे ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, उसके बाद सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपके जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको टॉप वीडियोस दिखाई देंगी अपनी, टॉप प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जब आप वीडियोस डालेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद ये रीच में वापस आएंगे, यहाँ पे आपको ट्रैफिक बताएगा, ये आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स भी बताएगा, इंटरनल भी बताएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जितनी भी कमेंट्स आएंगी आपकी वीडियोस पे वो यहाँ पे शो होंगी, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, किस कमेंट को डिलीट करना है, किसको रिव्यू के लिए रखना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको हेल्ड फॉर रिव्यू, यहाँ पे आपको वो कमेंट शो होंगी जिसको आपने सेटिंग्स में होल्ड फॉर रिव्यू के लिए रखा हुआ है, आपके रिव्यू करने के बाद ही वो अप्रूव होंगी। उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल्स हैं, यहाँ पे आप चैनल के जो भी सब टाइटल्स होंगे यहाँ पे शो होंगे आपको। ये कॉपीराइट है, अगर आप किसी के भी मतलब आपकी वीडियो में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो वो यहाँ पे भी शो होगी, आपकी वीडियोस में भी शो होंगी, या कोई आपकी वीडियोस को यूज़ करता है तो वो भी यहाँ पे शो होगी आपको। उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है इसमें, अभी यहाँ पे लिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। जब हम इसमें वीडियो डालेंगे उसके बाद हमें एक ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको बाद में आके आने वाली वीडियोस में आपकी सिखाऊंगा कैसे इस पे वीडियोस डालते हैं और कैसे कैसे इसे ऑन करते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी है, यहाँ से आप जौन सा म्यूज़िक चाहें वो यहाँ से देख सकते हैं आप, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे सुन सकते हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री है, यहाँ से आपके चैनल को कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ से हम म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये तो क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आता है इसमें सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जनरल है, सबसे पहले इसमें आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है। तो आप इंडिया से हैं तो हम यहाँ पे इंडियन करेंसी सिलेक्ट करेंगे, INR, इंडियन रुपीज़। आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री की करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैनल आता है, यहाँ पे भी हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इंडिया है तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, इंडिया, ये रही इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं आपको अपने चैनल से रिलेटेड। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे चैनल से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे गेमिंग डाल दिया मैंने, अनिल गेमिंग, एंटर कर देना। उसके बाद अनिल, उसके बाद गेमिंग, गेमिंग, इस तरह से आपको डाल लेने हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा, इसको मैं बाद में आपको अलग से डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको सिर्फ इसके सारी सेटिंग समझा रहा हूँ कि आपको कैसे क्या होता है यूट्यूब में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आपके चैनल पे जो आप वीडियो डाल रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं या नहीं। इस चीज़ के लिए ये ऑप्शन है कि हाँ, ये सारा जो वीडियोस आप बना रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं, यस, नहीं है तो नो। और अगर आप हर वीडियो को रिव्यू करना चाहते हैं तो आप इस आई वांट टू रिव्यू वाले पे सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में देखूंगा, वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर काउंट दिख रहा होगा, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल। इसका मतलब ये है कि आपके चैनल पे जिन जिन जितने मेंबर्स हो गए हैं, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। अगर आप उसे हाइड शो करना चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फीचर एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें जो चैनल वेरिफिकेशन का है, जो मैं कह रहा था आपसे कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये वही ऑप्शंस हैं। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको सबसे पहले करना है चैनल बना के, लोगो, अपना बैनर, वो सब डालने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपको दिखता है डिफ़ॉल्ट फीचर्स, यहाँ पे ये पहले से अनेबल्ड है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं। इसमें आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोलैबोरेटर्स के साथ ऐड कर सकते हैं वीडियोस को, ऐड न्यू वीडियोस टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, अपनी प्लेलिस्ट में अपनी न्यू वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाली फीचर है, जो दिस फीचर रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, इसमें एलिजिबल करना है आपको। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये है एलिजिबल करने के बाद आपकी वीडियो जो है 15 मिनट से ज़्यादा की आप बना सकेंगे, कोई भी कस्टम थंबनेल उसमें लगा सकेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकेंगे, अपील कंटेंट आईडी क्लेम्स, ये सब आप इसमें कर सकेंगे वेरीफाई होने के बाद। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई फ़ोन नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमें दूसरी स्क्रीन पे ले जाएगा और वहाँ से हमें अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो हमें वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है इसमें, और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, OTP आएगा आपके नंबर पे, एक वो OTP डाल के आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे जो ये एलिजिबल वाला निशान है वो ऐसे ग्रीन में हो जाएगा, इनेबल्ड लिखा आ जाएगा इस पे भी, और ये सारी फीचर्स आपकी इसमें ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको ज़रूर करनी है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये कि मैंने डमी अकाउंट बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो चैनल है मैंने उस पर
तो किया हुआ है। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये बना के दिखाया है, ठीक है। तो आपको ये कर देना है और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जिसका नाम है अपलोड डिफॉल्ट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर यहाँ से क्लिक करके ये बेसिक इन्फो का ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब है आप यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हैं अपनी वीडियोस के लिए, जैसे आप कोई भी जो आप चाहते हैं कि मेरा ये मैटर हर वीडियो में आए, तो आप उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं और अपनी वीडियो के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि हर वीडियो में हो, तो ये ऑटोमेटिक उन वीडियो में आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको सब अलग वीडियो बना के सिखाऊंगा आगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये विजिबिलिटी है, इसे सिलेक्ट करेंगे। पब्लिक प्राइवेट अनलिस्टेड, आप क्या करना चाहते हैं इसमें। पब्लिक का मतलब है आपको सब लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे, प्राइवेट में कोई भी नहीं देखेगा, अनलिस्टेड में सिर्फ वही देखेंगे जिनको आप लिंक शेयर करेंगे अपनी वीडियोस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स हैं, अपनी वीडियोस में आप कौन से टैग्स हैं जो यहाँ पे लगाना चाहते हैं हर वीडियोस में, वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लाइसेंस है, सबसे पहले स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशंस। तो अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियोस को कोई भी रीयूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियोस को कोई भी यूज़ कर सकता है अपने वीडियोस के बनाने के लिए, आपका कोई भी वीडियो का छोटा सा पार्ट यूज़ कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड रखेंगे और अगर आप किसी अदर चीज़ को यूज़ करेंगे क्रिएटिव कॉमन्स का, किसी की वीडियो को यूज़ करेंगे, तो वो आपके चैनल के लिए फिर प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, ठीक है। तो आपको हमेशा ये क्रिएटिव कॉमन्स ही रखना है अपने चैनल के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी वीडियो की कैटेगरी कौन सी है, आपका म्यूज़िक का चैनल है, गेमिंग का चैनल है, ट्रैवलिंग का चैनल है, टैग का चैनल है, जैसे मेरा टैग का चैनल है वो, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी वीडियो है जो उस वो कैसी है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, या जौन सी भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, किस लैंग्वेज में है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी, आपको हर वीडियो में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप यहाँ पे सेट कर देंगे वही रहेगी हर वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ये कैप्शन सर्टिफिकेशन है, इसके हमें यूज़ नहीं है, न नहीं रहने देना है। उसके बाद ये कमेंट्स हैं, अब यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं एलो ऑल कमेंट्स, होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, डिसेबल कमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप सारे कमेंट्स को परमिशन एलो करना चाहते हैं, या कुछ जो गलत तरीके से कमेंट करते हैं उनको आप होल्ड करना चाहते हैं, फिर रिव्यू करके ही उन्हें अप्रूव करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन इसमें दिख रहा है, नीचे करेंगे स्क्रॉल, यूज़र कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, आपकी वीडियोस को ये रेटिंग दे सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आपको ये हाइड करना है तो इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो यूज़र्स आपकी वीडियोस को रेटिंग दे पाएंगे, रेटिंग देख भी सकते हैं वो कितनी हुई है आपकी, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन पे आएंगे हम, परमिशन पे, इसको आपको कुछ भी नहीं चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी पे आएंगे, इसको भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स का एक ऑप्शन है, ये वही आपका कमेंट है ऑन योर वीडियोस, आप अपनी कमेंट्स को कैसे रखना चाहते हैं, इनमें से जो आपको ऑप्शन ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही सेकंड वाला ऑप्शन रखें, ताकि आप उस किसी भी अगर कोई गलत कमेंट करता है आपकी वीडियोस पे, तो आप उसको रिव्यू करके फिर ही उसे अलाउ करें, या उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप, सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। यहाँ पे भी वही है, डिस्कशन टैब, ये आपके लाइव के लिए है, जब आप लाइव जाएं तो तब आप पे
तब के लिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैसेज इन योर लाइव चैट ऐप, ये देखिए मैसेज के लिए कह रहा है कि कोई गलत तरीके का मैसेज करता है तो उसके लिए आप इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लाइव के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं कमेंट्स का और मैसेजेस का। उसके बाद इसमें एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, इसमें कुछ नहीं है ये भी। उसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है। मैंने सेव नहीं किया है क्योंकि मैंने ये बस आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड फीडबैक का, इस पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने चैनल में, आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ता, वॉच टाइम की प्रॉब्लम आती है, या आपकी किसी भी वीडियो की प्रॉब्लम आती है, मोनेटाइज नहीं हो रहा चैनल, या कुछ आपने सारी वीडियो सही बनाई है फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई है, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं उस चीज़ को, और यहाँ पे उस चीज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं आप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन सिलेक्ट कर लेंगे आप, जो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिस वीडियो पे प्रॉब्लम आ रही है या जिस पोस्ट टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इस फीडबैक को यहाँ से सेंड कर देंगे आप यूट्यूब वालों के पास। जैसे ही यूट्यूब की टीम इस फीडबैक को, आपकी इस प्रॉब्लम को देखेगी, वो इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगी, इसीलिए ये सेंड फीडबैक का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इसे कैंसिल पे कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर आते हैं इसमें और बैक कर लेते हैं अपने चैनल को। अलग टैब खोलते हैं एक, यहाँ पे www.youtube.com। मैं आपको और कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ और सेटिंग्स के बारे में। अब जैसे ही आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। YouTube स्टूडियो था वो जो मैंने आपको जितना भी सिखाया, ये देख सकते हैं आप, ये स्टूडियो YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड था जिसकी सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई, उसमें बैनर, चैनल लोगो, सब कुछ मैंने आपको सिखाया कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच अकाउंट, यहाँ से अगर आप कोई दूसरे अकाउंट में स्विच करना चाहते हैं वो है। यहाँ पे आप ये सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। इस सेटिंग्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे हम आ गए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारी ये जीमेल आईडी दिख रही है यूट्यूब की, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ यूअर चैनल है, ये जो सेटिंग्स हैं जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई हैं अभी, वही सेटिंग्स हैं ये तीन, तो ठीक है, आप देख भी सकते हैं इस पर क्लिक करके। ये देखिए आपको ये वापस उसी सेटिंग्स में ले आया, फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे बैक कर देंगे, वापस आ गए हम यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट है, व्यू और चेंज योर गूगल अकाउंट सेटिंग्स है ये, ठीक है। मेंबरशिप का है, इसमें हम नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, नोटिफाई, जब भी कोई चैनल सब्सक्रिप्स करे, मतलब आपको सब्सक्राइब करे, तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आए, ये ऑन रखना है हमें हमेशा। रिकमेंडेड वीडियोस हमें मिलती रहे उसके लिए ऑन रखना है, एक्टिविटी हो कोई भी हमारे चैनल पे उसके लिए हमें नोटिफिकेशन ऑन रखना है, कोई कमेंट करे उसकी एक्टिविटी के लिए नोटिफाई रखना है हमेशा, इन चीज़ों को ऑन रखना है। इसको ऑफ कर सकते हैं ऐसे, ऐसे ही ऑन हो जाता है। रिप्लाई टू माई कमेंट्स पे कोई रिप्लाई करे तो उसका नोटिफिकेशन ऑन है, कोई आपको मेंशन करे तो उसका नोटिफिकेशन ऑन है। उसके बाद इसमें जो आपका शेयर कंटेंट है उसका नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको ईमेल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे परमिशन है, सेंड मी ईमेल अबाउट माय यूट्यूब एक्टिविटी एंड अपडेट्स डेट आई रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे आपको ईमेल्स मिलते रहे हैं आपकी यूट्यूब एक्टिविटी के लिए और अपडेट्स के लिए, तो इसे भी ऑन रखना है। यूअर प्रेफरेंसेस, यहाँ पे क्रिएटर अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, यहाँ पे आपके लिए इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको YouTube की तरफ से जो भी YouTube में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी अनाउंसमेंट होंगे, उसकी भी रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। ये आपको ऐसे रखनी है,
उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेटिंग्स को आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, इसमें प्राइवेसी पे आना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट, तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय अदर्स वॉन्ट अपीयर ऑन योर चैनल। यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट को हाइड भी कर सकते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट को अगर कोई ना देखे तो आप इसको सिंपली ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब देखें तो आप इनको ऑन रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, ये वही आपके सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं जिन्होंने जिनको आपने सब्सक्राइब किया है वो यहाँ से, आप अगर आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें कि मैंने किस किस को सब्सक्राइब किया है तो इसे ऑफ ऑन रहने दें। अगर आप ये चाहते हैं कि उसे कोई ना देखें तो इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। कीप, अगर आप चाहते हैं कि सब देखें तो इसे ऑफ कर दें तो वो सबको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड एप्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कनेक्टेड एप्स के। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिससे भी कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं आपको यूज़र आईडी है, ये आपकी यूनिक आपकी यूज़र आईडी, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये आपकी चैनल आईडी है, इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। चैनल यूआरएल भी होता है उसी के पीछे जो लगी होती है, ये वही है लिंक, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट चैनल का एक ऑप्शन है कि आप जब भी जीमेल में इसके जीमेल अकाउंट में जब भी आप जीमेल से लॉगिन करें तो ऑटोमेटिक आप इस चैनल को यूट्यूब का ये चैनल में भी लॉगिन हो जाएंगे। तो उसके लिए आप इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से आप अपना चैनल डिलीट कर सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपने चैनल को, इस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से यूअर चैनल पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपका चैनल ऐसा दिखाई देगा, अभी आपका कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देगा, ये आपकी वीडियोस का ऑप्शन है। यहाँ प्लेलिस्ट है, जो भी प्लेलिस्ट बनाएंगे वो यहाँ पे दिखाई देगी, इस पे आपके वीडियोस दिखाई देंगी सारी। यहाँ पे चैनल्स दिखाई देंगे अगर आपके और भी चैनल हैं तो, या कोई फीचर चैनल किया हुआ है तो। यहाँ पे आपके कमेंट्स वगैरह दिखाई देंगे, पब्लिक कमेंट्स। यहाँ पे अबाउट है, आप अपने चैनल के बारे में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद ये कस्टमाइज चैनल करने से आप यूट्यूब स्टूडियो पे चले जाएंगे, जिसकी मैंने सारी सेटिंग्स आपको बताई हैं अभी। एक बार मैं आपको अपने चैनल पे ले जाके ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं। एक बार मेरे चैनल पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मेरी ये लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देंगे। उसके बाद ये कंटेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको ऐसे दिखाई देती हैं, जितनी भी आपने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उसके बाद यहाँ प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है वो ये ऐसे दिखाई देगी। एनालिटिक्स में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, कितना वॉच टाइम हुआ है, कितने व्यूज़ आए हैं, सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन है आपका, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे कमेंट्स वाले सेक्शन में आपको सारी कमेंट्स दिखाई देंगी, ये सारी कमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिप्लाई करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखा दूं मैं इसमें बैक करके, जो ये है, ये देख सकते हैं आप, ब्रांडिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का वाटरमार्क मार्क लगाया हुआ है अपना, तो मैंने एंटायर वीडियो पे लगाया हुआ है, इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पर मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे अपना
यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जीमेल उसमें सबसे मेन है, जीमेल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है तभी आप अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और फिर आपके पास लोगो, चैनल बैनर, ये दो चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है, और मैंने आपको सारा वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे अब हम यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्निंग के लिए आपको पता ही है, इसमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है, मोनेटाइज होता है। वो सारा मैं धीरे धीरे आपको अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा सब कुछ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट दें मुझे, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।